2019 में देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसका जवाब बीजेपी को छोड़कर किसी के पास नहीं है। अखिलेश भैया जनता का हवाला देते हैं, मायावती के मुंह पर टेप चिपका हुआ है, ममता ने बात दिल में छिपा रखी है और बाकी जो दल हैं वो दिल्ली के नाम पर दाएं बाएं खिसक जाते हैं। सियासत के एक और महारथी हैं, नाम है अरविंद केजरीवाल। इन साहब ने आंदोलन के दौरान जिसको जिसको गाली दी सबके साथ मंच साझा कर चुके हैं। अब तो उन्होंने ये भी कह दिया कि मोदी शाह को छोड़कर ये किसी को भी प्रधानमंत्री के लिए समर्थन कर देंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में गिन के इन महाशय की पार्टी ने 4 सीटें जीती थी, वो भी पंजाब में, और दावा ऐसे कर रहे हैं जैसे लोकसभा में इन्हीं की पार्टी सबसे मजबूत है। जिस कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़कर ये दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, उसी कांग्रेस को समर्थन देने की बात कहने में इनकी जुबान बिल्कुल नहीं लड़खड़ाई। फौरन बोल दिए प्रधानमंत्री अगर कांग्रेस का बनेगा तो उसे भी इनकी पार्टी समर्थन देगी। इस जुबानी ताकत को दिखाने से पहले अरविंद केजरीवाल को इतिहास देखना चाहिए। देश में न जाने कहां कहां से इन्होंने लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारे, अधिकतर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी और बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनाने की। धन्य हो केजरीवाल और धन्य है आपकी राजनीति।